ईरान हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालो। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, खड़े होकर हाथ लाकर बताएं कि हम मुतालबा करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस करो। ये सुन लिया आपने रेफरेंडम अवामी सिंध का, और कुछ साबिका कम्युनिस्ट, कुछ मौलवी साहिबान हिमायत में उतर पड़े हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, फरमाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, गैर कानूनी तारकीन वतन को मत निकालो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मईशत भले तबाह हो जाए, आटा भले स्मगल हो जाए, भले धमाके हो लाहौर में, पिशावर में, कोयटा में, कराची में, भले आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का खून बहता रहे, भले लाहौर के बच्चों और बच्चियों का खून बहता रहे, कराची में खून बहता रहे, सेवन में खून बहे, शिकारपुर में खून बहे, शाह नूरानी पे खून बहे, मगर ये कहते हैं के इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस मत करो। आप तो मार्क्स पढ़ते थे, आप तो लेनिन पढ़ते थे सोशलिस्ट भाइयों, एक सूबे से ताल्लुक रखने वाले सोशलिस्ट कह रहे हैं कि भले इलीगल इमिग्रेंट सिंध में बैठे रहें। लेनिन तो ऐसा नहीं था, मार्क्स तो ऐसा नहीं था कि एक जाबिर कौम की मजलूम कौम पर तसल्लुत को सपोर्ट करे। और मौलवी साहबान, आप हमें तो हिदायत करते हैं कि खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखें, तुफरके में न पड़े। इस्लाम बराबरी का मजहब है, इंसाफ का मजहब है, और आप फकत जबान के बुनियाद पर अपने हम जबान भाइयों को, वो भले इलीगल इमिग्रेंट्स हों, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची में सिंधी और उर्दू बोलने वालों का खून भले अर्जा हो के बहता रहे, मगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स वापस न जाएं। आप कहते हैं इंसाफ के साथ कुरान का मैसेज है, अल्लाह पाक का मैसेज है, और हम समझते हैं कुरान पाक का मैसेज इंसाफ का मैसेज है, ईमान का मैसेज है, सच का मैसेज है। आप तो हमसे ज्यादा पढ़ते होंगे, या अय्युल्लज़ीना आमनु कूनू कवामीन बिलकिस्त शुहदा अलिल्लाहि वल वला अनफुसकुम अव्वल वालदैन व अक्रबीन अन यकुन गनियन व फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला ततब्बुल हवा अन तदलू। ए ईमान वालो, इंसाफ पे कायम रहो और सच और इंसाफ के लिए खुदा के लिए गवाही दो, भले उससे नुकसान हो तुम्हारे वालदेन को, तुम्हारे अजीजों को। अल्लाह के करीब फकीर हो या गनी, सब बराबर हैं, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर ख्वाह है। जाती मफादात और ख्वाहिशों के तहत इंसाफ का दामन छोड़ मत दो। ये कुरान पाक कह रहा है इंसाफ का दामन छोड़ रहे हो, सिंध के लोगों को अपने वतन में अकलियत में तब्दील करने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो।